टीम इंडिया इस समय न्यूजीलैंड दौरे पर जाने की तैयारी कर रही है। इस दौरे पर टीम इंडिया को 5 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। टीम T20 टीम के साथ हार्दिक पांड्या नहीं है, वो अब तक राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी यानी कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अपना रिहैबिलिटेशन एनसीए प्रमुख राहुल द्रविड़ की देखरेख में करेंगे। हार्दिक, राहुल और उनके ट्रेनर्स की टीम की निगरानी में मंगलवार से अपनी प्रक्रिया से गुजरेंगे। बताया जा रहा है कि पांड्या को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के मुंबई मैच से पहले इस तरह के निर्देश टीम प्रबंधन की ओर से दिए गए थे। टीम प्रबंधन ने कहा कि हार्दिक से एनसीए में अपना रिहैब पूरा करने को कहा गया है। बताया गया है कि ये प्रोग्राम तकरीबन 15 से 20 दिनों तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक जब हार्दिक पांड्या मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विराट कोहली और उनकी टीम के साथियों के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तब टीम प्रबंधन ने उन्हें एनसीए में रिहैब प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी। आमतौर पर ये 2 हफ्ते का कार्यक्रम होता है, इसके बाद वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब राहुल द्रविड़ की निगरानी में, उनकी देखरेख में हार्दिक पांड्या ट्रेनिंग लेंगे। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।